बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिजनौर के मंडावली इलाके में वन क्षेत्र से निकलकर एक हाथी धान के खेत में अचानक से दलदल में फंस गया। सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो हाथी को खेत में फंसा देखकर उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रस्सी से बांधकर हाथी को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के भागुवाला इलाके का है, जहां देर रात एक हाथी वन क्षेत्र से निकलकर कहीं जाते समय एक धान के खेत में दलदल में अचानक से फंस गया। गुरुवार सुबह जब किसान अपने खेतों पर गए तो हाथी को धान के खेत में फंसा देखकर किसानों के होश उड़ गए। हाथी के फंसे होने की खबर जैसे ही आसपास के इलाके में पहुंची तो काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने हाथी के फंसे होने की सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद टीम रस्सी बांधकर हाथी को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। काफी मशक्कत के बाद भी हाथी को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि भागुवाला के जंगल में धान के खेत में बरसात का पानी ज्यादा भरा होने की वजह से खेत में दलदल हो गई, जिसमें वहां से होकर गुजर रहा हाथी फंस गया। वहीं इस मामले में मंडावली थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि एक धान के खेत में हाथी फंसा हुआ है। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर है, हाथी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। काउंटर 2 काउंटर की चीज थोड़ा 50 क्विंटल का। हां ज्यादा है।